हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नर्स के बारे में। नर्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आज आपको बताऊंगी, जैसे कि नर्स का काम क्या होता है, नर्स की सैलरी कितनी होती है, नर्स की एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी दोस्तों। दोस्तों, पहला है नर्स का काम क्या होता है। अगर हम बात करें नर्स के काम की, तो कोई भी अस्पताल नर्स के बिना चल नहीं सकता है दोस्तों। नर्स का काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। उन्हें अस्पताल के हर एक मरीज की देखभाल करनी होती है दोस्तों। तो डॉक्टर तो बस एक इलाज करते हैं, पर नर्स उन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है, उनके मरीजों को देखती है और उन्हें सही समय पर दवाई देती है ताकि वे जल्दी से ठीक हो सके दोस्तों। दोस्तों, नर्स डॉक्टर की मदद मरीजों का इलाज करने में करती है। नर्स अस्पताल में उपयोग हो रहे स्वास्थ्य उपकरणों का देखभाल भी करती है दोस्तों। नर्स का मुख्य कार्य होता है कि वह मरीजों की देखभाल करती है। नर्स को यह सुनिश्चित करना होता है कि अस्पताल में मरीजों को कोई परेशानी तो नहीं है या तो उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। नर्स नियमित रूप में मरीजों की हेल्थ चेकअप करती है ताकि उन्हें मालूम हो सके कि मरीज के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मरीज के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा है और उससे किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो नर्स उसका देखभाल करती है तथा तुरंत ही डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर को मरीज की हालत से अवगत कराती है, इंफॉर्मेशन देती है दोस्तों। दोस्तों, ये हो गया कि नर्स का काम क्या होता है। अब हम बात करते हैं नर्स की योग्यता की, मतलब कि अगर आपको नर्स बनना है तो क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आपको दोस्तों नर्स बनना है तो आपका 10th और 12th की एक एग्जाम पास की हुई रिजल्ट होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों, नर्सिंग कोर्स को करना होता है तो नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपको सबसे पहले प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है, तभी जाकर आपका नर्सिंग कोर्स में दाखिला हो पाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नर्सिंग कोर्स क्या होता है दोस्तों। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है। इस कोर्स में आपको दाखिला देने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th की परीक्षा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट में कम से कम 55% अंकों का होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। दोस्तों, ये कोर्स 4 साल का होता है। बीएससी नर्सिंग की फीस सरकारी कॉलेज में अलग होती है, प्राइवेट कॉलेज में अलग होती है और सरकारी कॉलेज में आपको इस कोर्स को करने के लिए 1 साल में लगभग 30,000 की फीस देनी पड़ती है। वहीं आप अगर प्राइवेट कॉलेज में ये करते हो तो आपको 1 लाख तक ये फीस देनी पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो और दाखिला लेते हो तो आपके मिनिमम से मिनिमम 60,000 से 70,000 रुपये भी बच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये हो गया कि आपका नर्सिंग कोर्स क्या होता है, उसमें आपको प्राइवेट में दाखिला में कितना पैसा लगेगा, मतलब कि आपकी कितनी फीस जाएगी। अब हम बात करते हैं कि नर्स बनने के बाद वेतन क्या मिलता है। दोस्तों, जब हम लोग कुछ बनने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले मन में ये सवाल आता है कि जो कोर्स हम करने जा रहे हैं उसमें सैलरी कितनी होती है। तो इसीलिए चलो हम जानते हैं कि नर्सिंग की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, नर्स को औसतन हर महीने 12 से 15 हज़ार तक की सैलरी मिलती है दोस्तों। जैसे जैसे वो सेक्टर में आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी सैलरी 40,000 से 50,000 जैसी हो जाती है दोस्तों। दोस्तों, नर्स का काम बहुत ही मेहनत वाला और जिम्मेदारी वाला होता है। अगर हम देखने जाते हैं तो नर्स को बहुत ही सम्मानित नज़रों से देखा जाता है दोस्तों, और नर्स की एक वैल्यूएशन अलग गिनी जाती है दोस्तों। दोस्तों, नर्स के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो जरूर पढ़ना। इन फ्यूचर आगे जाकर जैसे एक एटमोसफियर क्रिएट हो रहा है हेल्थ के रिलेटेड, हमें नर्सिंग के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट हो सकती है दोस्तों फ्यूचर में, और उसका स्कोप भी बहुत ही अच्छा बन सकता है दोस्तों। दोस्तों, नर्सिंग कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप एक अच्छे से हैंडओवर ले सकते हो। एक अगर आप चाहते हो कि किसी की हेल्प करनी है या फिर कैसे भी करके एक मरीजों तक अपना एक बॉन्ड पहुंचाना है, इलाज करवाना है, तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा वे है। अगर आप नर्सिंग में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर लीजिएगा नर्सिंग। तो दोस्तों, ये हो गया कि उनकी सैलरी क्या होती है। दोस्तों, नर्सिंग के फायदे भी बहुत है अगर देखने जाते हैं तो। नर्सिंग के फायदे कुछ इस तरीके से भी है कि हम लोग कहीं ना कहीं पे कुछ डॉक्टरी का भी पढ़ लेते हैं और अच्छे से आगे जा पाते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको नर्सिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, जो कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आगे जाके आपको काम आ सकती है।
अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर और वीडियो पे पीपीटी या फिर कुछ अलग टॉपिक पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हो या फिर आपको कहीं पे किसी को पहुंचानी हो जो किसी के लिए हेल्पफुल हो सके, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जिसको वीडियो की ज़रूरत हो उसे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।